एक साहब को जो है, एक साहब थे ऐसे, उनको ये गलत फहमी हो गई थी बेचारों को, हम भी नबियों के बराबर है, हम भी नबियों के बराबर है। तो इत्तेफाक से एक मौलाना साहब भी यही मौजू पे बयान करे तो उनकी जो यकीन था वो और बढ़ गया, डेवलप होगा उनके अंदर, वो यकीन की कैफियत बैठ गई। उन्होंने बोले हजरत सुलेमान पैगंबर है, परिंदों से बात करते थे, हम भी नबियों के बराबर है, मैं भी परिंदे से बात करता हूं। बोला जाके चौक से एक तोते को खरीद के लाया, लाके घर में बैठा, बैठ के बोला मिट्टू बेटे बोलो मैं अब्दुल रहमान हूं। सुबह से दोपहर हो गई, मिट्टू बेटा बोल रहा ही नहीं। फिर दोपहर से असर हो गई, मिट्टू बेटा कुछ बोल रहा ही नहीं। बेगम अंदर आई, बोली ये अब्दुल रहमान क्या हुआ तुम्हारा? बोले कुछ नहीं, मेरा यकीन है कि हम पैगंबरों के बराबर हैं, जब वो पैगंबर परिंदों से बात कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं भी करता हूं। बेगम बोली आई ले मियां आउट ऑफ स्टेशन हो गए। आवाज दी बेटे अब्दुल रहीम जल्दी ऑटो ले आओ। बेटा बाहर भागा ऑटो लाने, फिर उसको समझ में आया लाना कहाँ का है, फिर वापस पलट गया, पूछे अम्मी जान आटू कहाँ का चाहिए? बोले बेटे मेंटल हॉस्पिटल का। बोले अम्मी जान क्यों? बेटे देखा नहीं सुबह से अब्बू कैसे बहके बहके कामा कर रहे हैं, तोते को खरीद के लाके बोल रहे बोलो मिट्टू बेटे मैं अब्दुल रहमान हूँ, मिट्टू बेटे मैं अब्दुल रहमान हूँ, पैगंबर बात करे कहते इनो भी करते कहते गए। पैगंबर बात कर नहीं रहे हैं, मौला करवा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पैगंबर के बराबर नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उनकी शान थी, ये हमारा मुकाम है, हम उनके जैसे। जबकि उन्होंने भी खाना खाते थे, हम भी खाना खाते, उन्होंने भी पानी पीते थे, हम भी पानी पीते, उन्होंने भी शादी करते थे, हम भी शादी करते, मगर उनके घर में उनके पेट से पैगंबर पैदा हो रहा है। सुभान अल्लाह, हजरत इब्राहिम के पेट से हजरत इस्माइल पैदा हो रहे हैं, हजरत आदम के पास शीश पैदा हो रहे हैं, और प्यारे मुस्तफा के पास सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार पैदा हो रही है, और फातिमतुज़्ज़हरा के घर में जन्नती जवानों के सरदार पैदा हो रहे हैं, और जिन्नारम में जमशीद के घर में डाकू पैदा हो रहा है। हम उन्हों बराबर कैसे हुए? उनके बच्चे पैदा हुए तो जन्नती जवानों की शान लेके पैदा हुए, और हमारा पट्ठा टेंथ में जाते कि गुटके मार रहा, सिगरेट पी रहा, पट्टियों को कौन से एंगल से हेतु बराबर हुआ, अब तक मेरे को समझ में नहीं आया। वो पैदा हो रहे हैं, हाय हाय हाय, जन्नत से लिबास उतर रहा है, वो पैदा हो रहे हैं, उनका नाम वो रखा जा रहा है, हसन और हुसैन, जबकि आदम अलैहिस सलाम के जमाने से लेके मौला इमाम हसन हुसैन के जमाने तक ये नाम ना किसी पैगंबर को रखा गया, ना पैगंबर के बच्चों को रखा गया, ना पैगंबर की उम्मत में रखा गया। फिर से उंगली लगा दी, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उलमा अहले सुन्नत, अल्लाह अहमद नक्शबंदी साहब। सुभान अल्लाह, प्लीज अब तुम नहीं छींगे, अब अगर आप छींगे तो उठा के लाके यहां रख लूंगा मैं।
मसले को समझो दोस्तों, सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, उनके घर बच्चे पैदा हो तो जन्नती जवानों के सरदार बने, नबी के घर भाई पैदा हो तो हैदरे कर्रार बने, नबी के घर बेटी पैदा हो तो सय्यदाए कायनात बने, नबी के घर खानदान में बेटा पैदा हो तो अब्बास अलमबरदार बने, और हमारे बच्चे देखे तो कहीं से भी कुछ भी नहीं बने, बड़े डेंजर बने भाई। फिर हम उन्हों कैसे कैसे बराबर होते, अब तक समझ में नहीं आया मेरे को, आपको समझ में आए तो जरूर समझा देना। मसले को समझो दोस्तों, सुभान अल्लाह।